आज बात करते हैं हम इंडिया की। आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा युवा आबादी या सबसे ज़्यादा इंटरनेट डिजिटल माध्यम से जुड़ी, जहां पर सबसे ज़्यादा अप्रोक्सीमेट 100 करोड़ लोग मोबाइल का यूज करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो विश्व में दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर पर भारत में डिजिटल माध्यम से जुड़ा है। इसके प्रमुख कारण हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है कि युवा आबादी जो भी है, क्योंकि सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के माध्यम से। कई प्रकार की आपने योजनाएं सुनी होंगी, जैसे डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, डायरेक्ट DBT, जिससे सरकार सीधे किसानों को या आम नागरिकों को अपनी योजनाओं के माध्यम से जोड़ना चाहती है। यहाँ तक कि हमारे देश में सभी बैंक या हर किसी चीज़ के लेन देन व्यक्ति आजकल स्मार्टफोन या इंटरनेट के माध्यम से करता है। अपने जीवन का जो डेली यूज करता है, कम से कम अपना पूरा 80% योगदान किससे देता है, डिजिटल माध्यम से। हर इंसान अपनी लाइफ में लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ में हम जितना ज़्यादा डिजिटल माध्यम से जुड़ते जा रहे हैं, हमारी दुनिया एक अकेली और सुनसान होती जा रही है। इंसान आजकल पता नहीं कितनी ज़्यादा क्राइमों में फंसता जा रहा है, एक अजीब सी दुनिया में पिसता जा रहा है, जहाँ पर उसको समझ में नहीं आता हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं। खुश तो भी नहीं दिखाई देता और ना ही सुकून में रहता। समस्याएँ कितनी बढ़ती जा रही हैं, इसी तरीके से कितने ज़्यादा साइबर अपराध, ट्रक तस्करी, स्मगलिंग, ह्यूमन तस्करी, बहुत सारी जैसी समस्याएँ आ रही हैं। आजकल देखा होगा कई लोगों के अकाउंट से कई प्रकार की समस्याएं भी बढ़ी हैं, जिससे खाता हैक कर अकाउंट साफ कर दिया जाता है। कई बहाने से उनसे कॉल आती है, मैसेज आता, लिंक भेजे जाते हैं, जिससे आप क्लिक करते ही आपका सारा अकाउंट खाली। इसी के ध्यान रखते हुए सरकार ने अपने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रकार से बेहतर प्रयोग कर रही है। आपको पता है हमारा देश जो भारत है, विश्व में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस है, साइबर में। आपको पता है भारत निरंतर प्रयास कर रही है उसको जुटाने के लिए। इसी के माध्यम से अपने लोगों को, अपने उपभोक्ताओं को देश में सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जो साइबर इंटरनेट के माध्यम से अपराध होते हैं कंप्यूटर, उनको सुरक्षा प्रदान के लिए 1930 एक साइबर क्राइम अपराध नंबर डायल किया गया है, जारी किया गया है, जिसके माध्यम से अगर किसी के फ़ोन में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी अपराध, किसी तरीके से इलीगल नंबर या मैसेज, OTP कुछ भी मांगा जा रहा है, आप उस पर तुरंत कार्रवाई करें। कोई भी समस्या यदि आपसे जुड़ी है हैकिंग से या किसी भी साइबर क्राइम से, तो आप तुरंत तत्काल सरकार के नंबर पर कॉल करें, आपको तुरंत मदद पहुँचाने की प्रयास किया जाएगा। यह एक बहुत विश्वसनीय और बहुत ज़्यादा समाधान करने वाला नंबर है।